हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दीप टेकर। तो चलिए आज का जो न्यूज़ है शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग घर पे जियो फाइबर लगवाते हो तो आप कैसे लगा सकते हो। तो इसके लिए पहले आपको माई जियो जो एप्लीकेशन है उसको अपने फोन पर इंस्टॉल करना होगा। वहां से जाकर आप लोगों को जियो फाइबर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाके आपको टैप करना पड़ेगा और वहां पे आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस देकर एक बुकिंग आपको जो है करना पड़ेगा। उसके लिए आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसको देकर आपको वो कंफर्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आपको एक कॉल आएगा। अगर आप रात को बुकिंग करते हो तो आपको सुबह एक कॉल आएगा। अगर आप सुबह बुकिंग करते हो तो 2-3 घंटे के अंदर आपको एक कॉल आ जाएगा। तो वहां पे एक बंदा आएगा, तो वो आपसे आपका जो है आधार कार्ड मांगेंगे, वो आपको देना होगा। उसके बाद आप जो प्लान लेना चाहते हैं उस प्लान का आपका जो प्राइस है वो आपको बताएंगे और आपका जो है ऑनलाइन आपको वो पे करना पड़ेगा। तो अभी जो है लेटेस्ट जो है रिलायंस जियो का, जियो फाइबर का पोस्टपेड ऑफर चल रहा है जो काफी अच्छी है सुनने में। तो वहां पे जो है आप लोगों को कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको जो है प्लान का प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है जो कि है आपको 6 महीना और 12 महीना का ही आपका जो है प्लान एक साथ आपको लेना पड़ेगा, तो ही आपका जो है इंस्टॉलेशन फ्री होगा। तो जो अमाउंट होता है वो भैया आपसे लेगा। ऑनलाइन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, कोई भी हो आपको चलेगा। तो उसके बाद वो चला जाएगा उसी दिन, और दूसरे दिन आके रिलायंस जियो का जो इंस्टॉलेशन टीम है वो आपके घर पर आएंगे, तो वो आपका जो है घर पे जियो फाइबर इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं भी दिखाऊंगा कि मेरा घर पे जो जियो फाइबर इंस्टॉल हुआ है उसी को मैं दिखाऊंगा, और क्या क्या मुझे मिला है रिलायंस जियो की तरफ से वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। माई जियो एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप नहीं करवाना चाहते तो है आप आपका जो लोकलिटी में जो है जियो स्टोर है वहां पे आप जाओ, तो वहां से भी आप जियो फाइबर को बुकिंग कर सकते हो, वहां से भी आपको लोग मिलेगा। तो वो लोग ही सब कर देते हैं, तो वहां से भी आप लोग जियो फाइबर बुकिंग करके आपका जो घर है वहां पे आप लोग लगवा सकते हो। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा घर पे जो राउटर लगा हुआ है उसी को मैं आपको दिखाता हूँ और मुझे क्या क्या मिला है, कैसे क्या मिला है मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे को एक जियो की तरफ से एक जो है मॉडेम राउटर वो मेरे को दिया गया है, और उसके साथ आपको जो मिलेगा एक आपको जो है लैन केबल मिलेगा। 1 मीटर तक आपको जो है एक लैन केबल मिलेगा और 1 मीटर का आपका जो है टेलीफोन का जो केबल होता है, अगर आप रिसीवर अगर आपकी घर पे है या अगर आप खरीदना चाहते हो तो एक टेलीफोन की केबल भी बॉक्स के साथ आता है वो आपको मिलेगा। टेलीफोन रिसीवर का जो है वो है एक वायर, आपका जो है कनेक्टर वायर वो आपको मिलेगा। तो मैं लैन केबल यहाँ पे है तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ कि लैन केबल कैसा आपको मिलेगा। तो इस तरीके का एक कैट 5 का जो है एक लैन केबल वो आपको मिलेगा। 1 मीटर का जो है वो आपको लैन केबल मिलेगा, तो मैं यहाँ पे रखूंगा। और इसके साथ आपको जो मिलेगा एक आपको एडाप्टर मिलेगा जो बॉक्स के साथ ही आता है, जो जियो का एक ब्रांड आइकॉन के साथ आता है एडाप्टर केबल आपको जो है मिलेगा इसके साथ। और यहाँ पे जो है ये आपका जो है कनेक्टेड है, और उसके साथ इस तरीके का कुछ आपको वायर मिलेगा जो सीधे नियरेस्ट जो है जियो का जो है बोर्ड है वहां से कनेक्ट होके आता है, और 2 जो है कनेक्टर के साथ आता है। 1 कनेक्टर आपका जो है रोड साइड के जो है वायर के साथ आपको कनेक्ट होगा, और दूसरा जो है आपका जो है बॉक्स के अंदर उस कनेक्टर के थ्रू आपका जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा। मेरे को कुछ एक्स्ट्रा वायर भी उन लोगों ने दिया है, ठीक है जी, मुझे सिर्फ इतना ही दिया है। अगर आप लोग ज्यादा मांगते हो तो आपको ज्यादा ही आपको मिलेगा। अगर मैं मेरे इस घर पे इसको रखा हूँ, अगर आप कोई दूसरा घर या
फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर ऐसे कुछ रखना चाहते हो तो आप लोग उन लोगों को बोलना, आपको जो है ज्यादा वायर भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे। मेरे को थोड़ा बदमाशी करके कम जो वायर है वो देके गया है, मुझे और भी ज्यादा की जरूरत थी तो मैंने कुछ बोला नहीं, बोला हाँ दे दीजिए, तो उन लोगों ने सिर्फ इतना ही मेरे को दिया है। लेकिन मैंने और भी कुछ वीडियो में देखा है, अगर आप उन लोगों को बोलते हो तो आपको ज्यादा आपको मिलेगा। इस मॉडेम पे आपका जो है दोनों आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, तो यहाँ पे है 5 GHz और जो है 2.4 GHz, दोनों का ही आपको जो है सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे और एक बात है, अगर आपके घर पे कोई 5G डिवाइस है तो उनको आप 5 GHz के जो कार्ड है उससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके घर पे लैपटॉप है या 4G मोबाइल्स है उनको आप 2.4 GHz से कनेक्ट कर सकते हो। तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अगर तो आप लोग जरूर चेक कर लेना कि आप लोगों को जो है घर पे सभी फोन से 2.4 GHz और 5 GHz के साथ आपका जो है डिवाइस कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये आप लोग से जरूर चेक कर लेना। और जो है इसका जो है टावर है, जो 4 टावर आपके जो है फोन में शो करता है, लैपटॉप पे शो करता है, उसको भी चेक कर लेना कि बहुत सारे जो है मॉडेम जो है फॉल्टी निकल रहा है। मेरा भी प्रॉब्लम मेटिक मॉडल आया था उसको मैंने चेंज कर लिया, तो 2-3 दिन लगे और थोड़ी प्रॉब्लम भी आई। ठीक है, तो अगर आप लोग लगवाते हो तो एकदम से जरूर से चेक कर लेना, मॉडेम में कोई फॉल्ट निकलता है तो कैसे आप लोग चेंज करोगे, उस सब्जेक्ट पे भी एक वीडियो आएगा इस चैनल पे। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यही था आज का जो है वीडियो, इस वीडियो आपका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि जियो फाइबर से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट या न्यूज आता है तो मैं इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ऐसे आप लोग फॉल्टी डिवाइस को चेंज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे चेंज किया इस डिवाइस को, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मिलता हूँ मेरे को नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।